अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज आपका जो है वो क्लास 4 का हम मैथ्स के ही क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने जो आपको पहले होमवर्क दिया था, असाइनमेंट दिया था, आप लोगों ने अगर वो कर लिया है तो काइंडली सबमिट करवाइए, ठीक है। अच्छा जी, और जिसने नहीं किया उसने क्यों नहीं किया वो भी बताया। आप लोग अगर नहीं करेंगे तो अपना नुकसान खुद करेंगे, टीचर्स का तो कुछ नहीं जाएगा। हाय। अच्छा देखें, हमारा जो है वो आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। हम आज टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इसे हम ओपन करते हैं। सूजन हैज 14 क्रेट्स कंटेनिंग मैंगो। सूजन हैज 14 क्रेट्स कंटेनिंग मैंगोज। ईच क्रेट कंटेन 134 मैंगोज। हाउ मेनी मैंगोज डज सूजन हैव ऑल टुगेदर। वो कह रहे हैं कि सुजन के पास कितने कैरेट हैं, 14। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 कैरेट्स हैं मैंगो के, यानी कि 14 कैरेट्स हैं जिसमें क्या है, मैंगो है, ठीक है। ईच कैरेट कंटेन 134 मैंगो। हर एक कैरेट में, जैसे ये एक कैरेट है, ठीक है, हर एक कैरेट में, ठीक है ना, कितनी जो है वो मैंगोज हैं, 134 मैंगोज हैं। तो आप बताएं कि टोटल कितने मैंगोज ये हैं तमाम कैरेट्स में सूजन के पास, ठीक है। तो अब हम किस तरह मालूम करेंगे इसको, अच्छा देखें। सबसे पहले आप देखें, 134 इसमें, 134 इसमें, 134 इसमें, इस तरह सब में कितने कितने मैंगोज हैं, 134 मैंगोज हैं। पहले तो इन्होंने यहाँ पे आपको ये बता दिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा अब देखिए, 134 क्या आते हैं बेटा, मैंगोज थे एक कैरेट में, और ये वन वाला 134 क्या है, जो हमारे मैंगोज थे एक कैरेट में, ठीक है। और ये 14 क्या है, ये 14 जो है वो टोटल हमारे क्या थे, कैरेट। 134 हमारे मैंगोज थे और 14 हमारे क्या थे, कैरेट। हम इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो हम मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा वो हमारे क्या होंगे, टोटल मैंगोज, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए, फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगी भी। अच्छा देखिए, 134 को, 134 आपके पास क्या थे, एक कैरेट के मैंगोज थे, और टोटल मैंगोज आपके पास कितने थे बेटा, 14। और टोटल मैंगोज आपके पास कितने थे बेटा, 14, ठीक है। तो आपने 134 और 14 को आपस में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कैसे किया आपने, पहले आप इस ये जो वाला 4 है, इस 4 को आप इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर जो ये वाला 1 है आप इस 1 को तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 4 4 16, 16 का 1 आपका ऊपर कैरी गया और 6 यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। फिर 4 3 12, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 12 में आपने वाला 1 प्लस किया तो कितने हो गए, 13। 13 का 1 ये रहा और 3 आपका नीचे आ गया, ठीक है। फिर 4 1 4, 4 1 4, 4 में आपने 1 प्लस किया तो कितने हो गए, 5। ये आपके 4 से जब आपने 134 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 536 आंसर आ गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 0 लगाया, 0 लगा दें वरना हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान भी लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे या तो हम फर्स्ट नंबर पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं या हम 0 लगा देते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा जी, अब 1 4 4, 1 3 3, 1 1 1। अब ये 1 और 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या करोगे, प्लस करोगे, 6 ऐसे ही आ गया। 4 में 3 प्लस किया तो क्या आंसर आया, 4 5 6 7, 7। 5 में 3 प्लस किया तो क्या आंसर आया, 5 6 7 8, 8।
और ये 1 ऐसी आ गया, तो यानी कि आपके पास टोटल कितने मैंगोज थे, 1876 मैंगोज थे तमाम कैरेट्स में, कितने मैंगोज थे 1876, ठीक है। सूजन के पास कितने मैंगोज थे 1876 मैंगोज। At a party, 752 chocolates were divided equally among some children. If each children got 4 chocolates, how many children were there at the party? वो कह रहे हैं एक बास्केट थी, एक बास्केट के अंदर पार्टी हो रही थी, ठीक है। उस बास्केट में कितनी चॉकलेट्स थी बेटा, 752। कितनी चॉकलेट्स थी, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है और ऊपर भी लिखा हुआ है, 752, ठीक है। अब उनको हर चॉकलेट को बराबर बराबर देनी है बच्चों को, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि हर बच्चे को कितनी चॉकलेट दी, 4। तो आप बताएं कि कितने बच्चे थे जिनको चॉकलेट्स मिली, कितने बच्चे थे कि 4-4 चॉकलेट सबको, कितने बच्चे थे कि जिनको जो है वो 4-4 चॉकलेट्स मिली, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे में अगर हमें जो है वो बोलें कि आप इतनी क्वांटिटी है और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हम क्या करते हैं ऐसे में बेटा, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम किस तरह डिवाइड करेंगे, देखिए ये आपको बता रहे हैं, पहले आप देखिए फिर मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ये हमने डिवाइड किया 752, 752 क्या थे हमारे पास, चॉकलेट्स थी, ठीक है। 752 हमारे पास क्या थी, चॉकलेट्स, और 4 हमारे पास क्या थी, हमने हर बच्चे को कितनी चॉकलेट दी थी, 4। तो आपने वो लिख दिया। अब आपको मालूम करना है कि कितने बच्चे पार्टी में मौजूद थे जिनको 4-4 चॉकलेट्स मिली, तो आपको 4 को 752 से क्या करना है, डिवाइड। अब डिवाइड के लिए आप क्या करते हैं, एक एक करके नंबर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 के टेबल में 7 आता है क्या, 4 1 4, 4 2 8, नहीं, 8 आता है। तो अब हम अगर ऐसा हो कभी कि आपके पास जो नंबर गिवन है वो आपके टेबल में बाहर वाले नंबर के टेबल में ना आता हो, तो फिर आप उससे छोटा नंबर लेते हैं। अब 7 से छोटा नंबर 4 के टेबल में क्या आता है, 4 1 4, क्या आता है, 4 1 4, ठीक है। अब आपने 7 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास कितने नंबर बचे, 3। 7 में से 4 माइनस किया तो क्या बचा, 3। अब आपने ऊपर से क्या उतारा है यहाँ पे, 5। ऊपर से आपने कौन सी नंबर उतारा है यहाँ पे, 5। तो ये कितना हो गया आपके पास, 35। अब आप जरा 4 का टेबल पढ़िएगा, 4 के टेबल में 35 आता है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। 4 के टेबल में 35 नहीं आता बल्कि 4 9 36 आता है। तो अगर कभी ऐसा हो कि हमारे पास जो नंबर गिवन है वो ना आए टेबल में, तो हम उससे छोटे वाला नंबर लेते हैं। अब हमें ये कर देखना है कि 35 से छोटा 4 के टेबल में क्या आता है। तो हम दोबारा 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, क्या आता है हमारे पास, 4 8 32। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 4 8 32। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। 3 में से 3 गए तो 0 बचेगा, तो हमने वो नहीं लिखा। 5 में से 2 गए, जब 5 है, 5 फिंगर्स अपनी ओपन कीजिए, उसमें से 2 फिंगर्स को क्लोज कर लीजिए, तो कितने फिंगर्स बचे हैं आपके पास, 3। तो 5 में से 2 गए तो कितना बचा बेटा, 3, ठीक है। अब हमने ऊपर से क्या, कौन सा नंबर उतारा जो हमारा लास्ट वाला नंबर था, 2। तो अभी हमारे पास क्या नंबर बन गया, 3 और 2 मींस 32। अब हमें चेक करना है क्या 4 के टेबल में 32 आता है या नहीं आता। तो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28,
फोर एट जा 32, तो क्या है 4 8 जा क्या है हमारे पास 32, ठीक है। तो हमने पूरा 32 लिख दिया, तो हमारे पास आंसर क्या है 0। देखें जब तक नीचे आंसर 0 ना आए हमें इसको डिवाइड करना था, अब 0 आ गया तब हमारा यहाँ आंसर खत्म हो गया। और जो ऊपर हमारे पास नंबर्स आते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा, आंसर होता है। तो यानी कि 188 हमारा क्या है आंसर, 188 क्या थे वहां पे बच्चे थे, 188 बच्चे थे जिनको क्या मिली, 4 4 चॉकलेट्स मिली थी, ठीक है। So there were 188 children at the party, ठीक है। वो यही कह रहे हैं कि पार्टी में 188 चिल्ड्रेन थे। ओके नाउ गेम टाइम, अब हम कुछ गेम खेलेंगे। हाय देयर, ड्रैग द ब्रिक्स that show the correct number to the empty spaces in the wall, then click submit। अच्छा जी, अब क्या होता है यहाँ पे आप देखिए, हमें जो है ये एक वॉल पूरी बनी हुई, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ जो है वो ब्रिक्स नहीं है, ठीक है ना, कुछ ईंटें मौजूद नहीं है। तो हमें वो वॉल कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम सही आंसर देंगे अपने मल्टीप्लीकेशन का तो फिर क्या होगा कि वो हमें बिल्कुल सही सही आंसर हमें पता चलेगा, ठीक है। जो हम आंसर देंगे वो आंसर हमें, अगर हमारा आंसर ठीक होगा तो फिर हम इस तरह क्या करेंगे अपने ब्रिक्स जो है वो बना सकेंगे,